इधर बिल्कुल साफ कर दिए। और नहीं तो रोज क्या होता था, हम लोग सिर्फ खाना खाते थे और चले जाते थे, क्योंकि बाबू इतना टाइम नहीं देता था कि हम लोग यहाँ पे साफ करके जाए। और पापा उधर बैठे हैं और पापा यहीं पे सोएंगे। हम लोग मच्छरदानी पापा का रख दिए हैं। और पहले क्या था कि जमीन पे सोते थे पापा, बेड इस रूम में नहीं घुसाए हुए थे, तो अब पापा ऊपर में भी सोएंगे। और और नानी भी आती थी तो नीचे सोती थी और बीमार होके चल जाती थी। और नानी को भी क्या है कि बीमार नहीं होगी नानी ना अम्मा। अच्छा तो अच्छा कंबल भी बिछाया हुआ है, इसमें गद्दा भी बिछाया हुआ है। अच्छा हाँ, तो अच्छा जितना सारा लेदरा लेदरा बोलते हैं, लेदरा था हमारे पास, वेराइटी वेराइटी जो कबाड़ खाना जैसे रखा हुआ था, तो हम लोग सब इसी में बिछा दिए हैं, तो गद्दा जैसा हो गया है और घर भी थोड़ा अच्छा लगता है। आते हैं तो बैठते हैं। ये आदमी जो ला नहीं रहा था, इसको कितना लड़ने के बाद लाया और एक सप्ताह मेरा खराब किया। अभी सबसे पहले यही पसर के यहाँ जितना था पापा सब साफ कर दिए, उधर सब समेट दिए, और इधर जो छर्री वर्री बाबू फेंक देता था ये सब भी सब इधर कर दिए हैं, उधर सब कुछ साफ कर दिए हैं। और अभी इधर पापा यहाँ पे खोल रहे हैं, और जहाँ पे सब्जी लगाए उसके बगल में, तब क्योंकि वहाँ पे हम लोग कुछ सब्जी लगाने का सोचे। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता अभी साफ नहीं, वरदान है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है रविवार और मैं गई थी बाहर, ब्लॉग नहीं बनाई क्योंकि कुछ खास काम से नहीं गई थी, ऐसे ही गई थी सिर्फ एक चक्कर लगाने के लिए, क्योंकि थोड़ा बाहरी माहौल में जुड़ना ज़्यादा ज़रूरी है, वरना दम घुट जाएगा। चॉकलेट दे रही हूँ, वेट करो। तो किसी को चाहिए चॉकलेट, जो मेरे पर्स में एक है 5 स्टार जो सगुन ली है, लो लो। और बाहर क्यों गए थे बता देते दोस्तों, कुछ नहीं है, झाड़ू लेने गए थे। हम बोल रहे थे ना मेरे घर में बांस का झाड़ू नहीं है और बहुत गंदा रहता है मेरा घर बहुत। तो पापा आए हैं तो पापा स्पेशली बोले कि बांस का झाड़ू लेके आना, क्योंकि पापा हैं तो पापा मेरा पूरा घर अभी साफ करके जाएंगे। और पापा सुबह से इतना काम किए, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को बैक कैमरा से। और अभी भी मैं गई थी उधर, तब तक पापा काम ही कर रहे थे, और पापा आए हैं तब से, मतलब कुछ ना कुछ बाथरूम तो क्लीन कर दिए हैं और अब हाथ से ही किए क्योंकि झाड़ू नहीं था। और अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। तो इधर पापा लगे हुए काम में, यहाँ पे देखिए क्या क्या किए हैं पूरा। अभी इसमें गड्ढा गड्ढा था कहीं कहीं, तो उस सब में सीमेंट डाल देंगे दोस्तों पूरा। और पापा वहाँ पे जाके पानी उस सब में डाल दे रहे हैं ताकि वहाँ पे भी सीमेंट उमेंट डालें। और यहाँ देखिए कितना गंदा, ऐसे ही रोज़ गंदा रहता है क्योंकि फूल वाला झाड़ू से दोस्तों पूरा साफ नहीं होता था, तो अभी बांस वाला झाड़ू से पूरा अच्छा से साफ हो जाएगा। तुम राधे राधे, तो नोजी कौन पोछेगा? मैं झाड़ू उठा, झाड़ू लगा। ब्लॉग में बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि ये वाला ब्लॉग में मैं सिर्फ दिखाऊंगी कि पापा मेरे क्या क्या काम कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं। पापा मेरे लिए कितना कुछ कर दे रहे हैं और मेरे लिए कितना आराम हो जाएगा। पापा यही 2-3 दिन में मुझे आराम दे करके चले जाएंगे। और उस रूम में, मतलब रसोई में भी बहुत गंदा था, मैं गैस सप्ताह में साफ की थी, देखे थे आप लोग, और उसके बाद बहुत गंदा था। और पापा पूरा हम इस रूम में थे तब तक पापा बहाना से उस रूम में जा करके और पूरा साफ कर दिए, पूरा क्लीन कर दिए, गैस वैस सब पोछ दिए बिल्कुल। और अभी पापा इधर भी कोना कोना से झाड़ू लगा देंगे, आप जो नहीं बोलेंगे पापा वो भी साफ कर देंगे। तो रात हो गया दोस्तों, हम सभी ने खाना खा लिया, हमारा दिन का खाना था। और पापा का अभी गरम गरम रोटी बना दिए और हम लोग खाना खाए, पापा इधर बिल्कुल साफ कर दिए। और नहीं तो रोज़ क्या होता था, हम लोग सिर्फ खाना खाते थे और चले जाते थे, क्योंकि बाबू इतना टाइम नहीं देता था कि हम लोग यहाँ पे साफ करके जाए। और पापा उधर बैठे हैं और पापा यहीं पे सोएंगे। हम लोग मच्छरदानी पापा का रख दिए हैं। और पहले क्या था कि जमीन पे सोते थे पापा, बेड इस रूम में नहीं घुसाए हुए थे, तो अब पापा ऊपर में भी सोएंगे। और नानी भी आती थी तो नीचे सोती थी और बीमार होके चल जाती थी। अब नानी को भी क्या है कि बीमार नहीं होगी नानी ना अम्मा। अच्छा अच्छा कंबल भी बिछाया हुआ है, इसमें गद्दा भी बिछाया हुआ है। हाँ, तो जितना सारा लेदरा लेदरा बोलते हैं, लेदरा था हमारे पास, वेराइटी वेराइटी जो कबाड़ खाना जैसे रखा हुआ था, तो हम लोग सब इसी में बिछा दिए हैं, तो गद्दा जैसा हो गया है और घर भी थोड़ा अच्छा लगता है। आते हैं तो बैठते हैं। ये आदमी जो ला नहीं रहा था, इसको कितना लड़ने के बाद लाया और एक सप्ताह मेरा खराब किया। अभी सबसे पहले यही पसर के यहाँ बैठता है, बैठा हुआ है।
तो चलिए अब हम सब सुबह मिलेंगे आपसे और सुबह दिखाएंगे पापा क्या क्या किए हैं, मतलब बहुत कुछ कर भी दिए हैं और सुबह और भी काम करेंगे पापा। तो गुड नाइट बोलिए पापा। बाय बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों, बोलिए बाय बाय, गुड नाइट दोस्त। सगुन, जो जो सगुन बोलेगी वही वही पापा बोलेंगे। सुबह हो गया दोस्तों और हम काम कर लिया, आज बहुत लेट हो गए थे, मतलब सगुन को बहुत मुश्किल से उठा करके स्कूल भेजे हैं और खाना वाना बना लिए हैं सब, मतलब रोट नाश्ता बना है। और पापा मैं उधर कर रही थी तो वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि मैं एक ही काम करती, मोबाइल कौन पकड़ता। तो पापा सुबह से ही लगे हुए हैं और मैं दिखाती हूँ पापा क्या क्या किए हैं और क्या कर रहे हैं। जितना था पापा सब साफ कर दिए, उधर सब समेट दिए और इधर जो छर्री वर्री बाबू फेंक देता था ये सब भी सब इधर कर दिए हैं, उधर सब कुछ साफ कर दिए हैं। और अभी इधर पापा यहाँ पे खोल रहे हैं और जहाँ पे सब्जी लगा है उसके बगल में, तब क्योंकि वहाँ पे हम लोग कुछ सब्जी लगाने का सोचे हैं और इधर भी कुछ लगाएंगे। तो पापा इधर नहीं खोड़े हैं, अरे ये सब कोड़ा लो कोड़ के माटी तार कर ली। तो इधर भी खोड़ा हुआ है तो करें जो तो करने। अच्छा था पानी अभी नलवा है से वो न कर, तभी उधर लगाएंगे और अभी इधर लगाएंगे। अभी पापा सुबह से लगे हुए हैं, मतलब 3 घंटा हो गया कंटिन्यू पापा कर रहे किचन, वो जो जहाँ डोबो रहता है वहाँ भी पूरा गंदा था वहाँ भी साफ कर दिए हैं। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, जो जो लगाएंगे सब दिखाएंगे आप लोग को। अमरुद वक्त चारों तरफ ना डंटा दे दी चारों तरफ, इसमें बाबू जानते हैं 4-5 फूल खिला हुआ था तो किसू सब तोड़ दिया है। और हम लोग वो सब्जी भी बढ़ रहा है उसके ऊपर भी देखते हैं पूरा, उसको कहते हैं घोरना, घोर देंगे चारों तरफ ऊपर में तो हमारा सब्जी खाने भर हो जाएगा। रात में इधर बारिश हुई थी दोस्तों इसीलिए थोड़ा थोड़ा मिट्टी गीला है। तो अभी पापा इधर लगे हुए हैं वहां पे लकड़ी दे दे रहे ताकि सब्जी वहीं पे फले। अरे देखो दीदी का बोतल देखो इधर, तो बाबू तोड़ देता है बताया ना दोस्तों, इसीलिए पापा चारों तरफ दे करके अभी इसमें कपड़ा भी बांध देंगे तब जा करके हो जाएगा। हमारे यहाँ तो लकड़ी भी ना पीछे बाबू बड़का है वो, क्योंकि बाबू ही सब तोड़ ताड़ देता है। अभी फलता, 2 बार फला था, एक बार लाया थे उसी समय था फूला हुआ और फिर अभी हो रहा था तोड़ दल के सब था। चल लार हल्ला नीचे तू ढक दिली का मटिया से, पापा सब मिट्टिया देके ढक दिए वहीं पे हो रहा था। हाँ चारों तरफ गोल कर दी ना पनिया रहता है वहां गाढ़ा। सब ने लपेट दी इधर, मैं और पापा लगा रहे दोस्तों कच्चू। कच्चू आप लोग समझते हैं नहीं समझते, मैं दिखा रही हूँ, इसको गांव में कहते हैं पेचकी। उग जाएगा तो चलिए दोस्तों कम से कम, ये सब्जी नहीं लाता है, हो जाएगा तो खाने के लिए कम से कम हो जाएगा, मेहनत बेकार नहीं होता है। धूप बड़ी जोर है। हाँ इधर इधर भागो भागो, किसको हैप्पी होली हो जाएगा भागो। बहुत गर्मी, काम करते करते थक गए एकदम, और सारा सब्जी जितना कुछ लगाना था मकई कच्चू सब लगा लिए, सेमी लहर अरहर मतलब। और अब जा रहे किचन में काम करने दोस्तों, मतलब दोपहर का खाना बनाने, खाना में बनाना है आलू और कटहल की सब्जी और भात दाल में बनाएंगे। और सगुन आएगी अभी थोड़ी देर में, आप सभी को बाय बोल रहे दोस्तों। बहुत ज़्यादा थक गए, बहुत गर्मी हो रखा है, पापा भी थक गए एकदम, बोले पापा पापा करके भागे हैं। अभी बहुत सारा काम है और दूसरा ब्लॉग में दिखाएंगे आप सभी को, अभी के लिए बाय।